गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स दोस्तों, चलो आज हम बात करते हैं आउटलुक। आउटलुक क्या होता है? तो सबसे पहले आउटलुक क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। आउटलुक एक सर्विस है जो हमारे एमएस ऑफिस के अंदर ये बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम होता है जिसको आप कॉन्फ़िगर करके आउटलुक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वो भी प्रैक्टिकल देखेंगे भी कैसे आउटलुक कॉन्फ़िगर करते हैं। बट यहाँ पर आउटलुक क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? तो दोस्तों मान लेते हैं कि आप जब ये इंटरनेट यूज़ करके जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर जब जीमेल ओपन करते हो तो उसके अंदर आप अपने इनबॉक्स के अंदर सब मेल चेक करते हो। दोस्तों ये कब होता है? जब आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होता है तब ये आपको सर्विस मिलती है। जब आप कोई कहीं से भी इंटरनेट ओपन करके आप अपने जीमेल को एक्सेस कर सकते हो। बट अगर वही कंप्यूटर के अंदर अगर इंटरनेट बंद हो गया तो वहाँ पर आपके इनबॉक्स को आपके मेल को एक्सेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वो कंडीशन के अंदर हम हमारे कंप्यूटर के अंदर आउटलुक कॉन्फ़िगर करेंगे और ये आउटलुक क्या करेगा कि आप अपने मेल को आउटलुक के द्वारा आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हो। तो आपके मेल को ऑफलाइन एक्सेस करने के लिए जहाँ पे आप अपने मेल को चेक कर सकते हो, ओके, तो आपके मेल को ऑफलाइन एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे आउटलुक कॉन्फ़िगर करते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे एमएस ऑफिस का एक प्रोग्राम है जिसको आप कॉन्फ़िगर करके आउटलुक कॉन्फ़िगर करके आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि भाई आउटलुक क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, आउटलुक कैसे कहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं यहाँ पे एक क्लाइंट मशीन पे चला जाता हूँ और क्लाइंट मशीन के अंदर जाके मैं ऑल प्रोग्राम के अंदर आउटलुक 16 पे क्लिक करता हूँ, 2016। और यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे एक नया अकाउंट बना देता हूँ। तो मैं फाइल पे जाके अकाउंट सेटिंग्स एंड अकाउंट सेटिंग पे जाते हैं। आपको यहाँ पे नया अकाउंट बनाना है तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो मैं यहाँ पे मैनुअल सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट करते हैं। आपको यहाँ पे पॉप और आईमैप ये दो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है। दोनों में से कोई प्रोटोकॉल आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे आईमैप करता हूँ। आईमैप एक ऐसा प्रोटोकॉल है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो आपके मेल को डाउनलोड करता है। अभी यहाँ पे ये पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको आपने जो ईमेल अकाउंट आपने जो बनाया था उसके अंदर जो यूजर नेम दिया था वो आपको यहाँ पे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ महेश शालवी, ओके। इसके बाद आपका जो अकाउंट है जिसके अंदर आप ये कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो वो अकाउंट आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। IMAP कॉन्फ़िगर करना चाहेंगे क्योंकि सब मेल डाउनलोड होने चाहिए, तो आपको यहाँ पे imap.gmail.com कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, smtp.gmail कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको पासवर्ड, तो दोस्तों ये पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, ये सिस्टम पासवर्ड होता है, आपको यहाँ पे ऐप पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों जनरेट करते हैं पासवर्ड। तो पे जाना पड़ेगा मेरा जो अकाउंट है, ओके, तो वहाँ पर जाके मैं अपने मेल आईडी पे क्लिक कर देता हूँ और मैनेज अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, मैनेज गूगल अकाउंट, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सिक्योरिटी टैब, और सिक्योरिटी टैब के अंदर आपको यहाँ पे ऐड पासवर्ड सिलेक्ट करना है, ऐप पासवर्ड। तो ऐप पासवर्ड मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे ये पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा जो पासवर्ड से आप लॉगिन किया हुआ है। नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये लॉगिन करेगा, जैसे ही लॉगिन करता है दोस्तों तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट ऐप पासवर्ड। तो अभी आप मेल के लिए पासवर्ड जनरेट करते हो तो मेल सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट डिवाइस, कौन सी ओएस पे, विंडोज़ पे आप ये कर रहे हो तो विंडोज़ कंप्यूटर सिलेक्ट करना है क्योंकि आपका कंप्यूटर विंडोज़ ओएस के अंदर आप इसको यूज़ करोगे। जनरेट पासवर्ड को जनरेट करो, पासवर्ड ये जनरेट हो गया तो पासवर्ड को क्या करना है आपको कॉपी करना है दोस्तों। कॉपी करने के बाद तो दोस्तों जो पासवर्ड जनरेट किया था वो पासवर्ड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने से पहले हम यहाँ पे आउटगोइंग सर्वर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टिक कर देते हैं, और एडवांस पे जाके आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो SSL, तो यहाँ पे 993, और यहाँ पे हम प्रोटोकॉल सिलेक्ट करेंगे TLS, ओके, और यहाँ पे आपको देना है पोर्ट नंबर 587, ओके। तो ये पोर्ट नंबर आपको याद करना पड़ेगा। हम ओके कर देते हैं और यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गया है IMAP की, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्लोज कर देंगे दोस्तों और फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो salvi.lux26910
ये यहाँ पे कन्फिगर हो गया है दोस्तों, क्लोज कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखो ये मेरे मेल सब यहाँ पे डाउनलोड हो गए हैं, salvi.lux20910910। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी मेल यहाँ पे डाउनलोड हो गए। तो दोस्तों इस तरह से आप एक आउटलुक के अंदर अकाउंट कन्फिगर कर सकते हो। और आउटलुक क्या होता है, आउटलुक का यूज़ क्या होता है वो मैंने आपको बताया, आउटलुक कैसे कन्फिगर करते हैं वो मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पे मेल देख सकते हो, ऑफलाइन मेल एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे आउटलुक कन्फिगर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।